अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सब है क्या? नमस्ते। नमस्ते, मैं संध्या, आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। मुझे पता है कि उस बच्चे की जान आपने बचाई थी और क्रेडिट आपका सीनियर ले गया, पर कोई बात नहीं, हमें तो सब सच पता है ना, इसीलिए हम आपकी बहादुरी सेलिब्रेट करेंगे। जिसने भी हमारे शिव की जान बचाई, शिव को बचाया, भोलेनाथ अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखे। ये रहा। आप बन गई हमारी सुपर वुमन। चलो लेडीज पार्टी, अब केक काटे हैं और फिर जी भर के केक खाओ। चलो सेलिब्रेशन। हाँ, अब जाओ, जल्दी से सो जाओ फटाफट जाके, क्योंकि कल स्कूल भी तो जाना है एडमिशन के लिए, है कि नहीं? जी, अभी-अभी हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो डरा हुआ होगा, शायद सदमे में है अभी, उसे इतनी जल्दी स्कूल भेजना जरूरी है क्या? एक दो दिन बाद नहीं भेज सकते? गौरी, तुम ही तो कहती हो कि माँ बाप को अपने बच्चों को हिम्मत देनी चाहिए, तो फिर हमारा शिव कमजोर कैसे हो सकता है? वो जरूर जाएगा कल स्कूल। शिव, तो अब चले स्कूल। अगर हमारे भी पापा होते तो हमें भी ऐसी कार में छोड़ने आते। गोपी, पापा नहीं है तो क्या हुआ,
माई है ना आपके साथ, आप देखना एक दिन जरूर हम आपको भी ऐसी ही बड़ी गाड़ी में घुमाएंगे। लेकिन आप हमें एक बात बताओ कि अभी तो आपका स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है, फिर आपने ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की जिद क्यों की? महादेव है ना हमारे साथ, जरूर हमारा एडमिशन करा देंगे स्कूल में। चलें। मिस्टर नारायण, आपका बच्चा पहले ही बाकी बच्चों से एक क्लास पीछे है, ऊपर से ऐसे स्कूल मिस करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए आपको तो पता है शिव की हालत काफी नाजुक रहती है, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है हमें, और कल के हादसे के बाद तो ये थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। वो तो हम हर बच्चे का रखते हैं, तभी तो देखिए सीसीटीवी कैमरा में स्कूल का हर कोना कैप्चर होता है। ये एडमिशन फॉर्म भर दिया है हमने, ये लीजिए। अरे मैडम, आपने इसमें बच्चे के पिता का नाम तो लिखा ही नहीं, रहे नहीं क्या? नहीं मेरा मतलब डाइवोर्स हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट क्या हुआ, सर्टिफिकेट भी नहीं है? जी वो अरे मैडम आप रहने दीजिए, आप ऐसा कीजिए मेरे साथ चलो, आइए आइए बेटा, आप यहीं बैठो, हम बस अभी आते हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। मैडम जी, सर्टिफिकेट के बिना एडमिशन तो हो नहीं सकता। हाँ लेकिन मगर आप मेरी थोड़ी सी जेब गरम कर दो तो मामला मैं बैठा सकता हूँ। अच्छा, वैसे कितना लगेगा मामला बैठाने का? अब मैडम वैसे तो 1500 रुपए का रेट चल रहा है, अब बाकी जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति। अच्छा मैडम, इतनी श्रद्धा भक्ति ठीक है या फिर और चाहिए? हाँ शर्म नहीं आती तो रहे शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर रिश्वत मांगते हुए? हाँ वो भी एक सब इंस्पेक्टर से। सब इंस्पेक्टर? अरे मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इंस्पेक्टर हैं। माफ कर दीजिए मैडम, नदी किनारे सांप है, रिश्वत लेना पाप है, बस मैं समझ गया हूँ मैडम, प्लीज मुझे माफ कर। इस बार तो हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली बार याद रखना अगर किसी से रिश्वत लेने का सोचा भी ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, समझे? हाँ मैडम, मैं पूरा समझ गया मैडम। मैडम बस आप इस बारे में किसी को बताना नहीं, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और बाल बच्चों वाला आदमी हूँ मैडम, प्लीज। मजबूरी चाहे जो भी, लेकिन याद रखना हराम की कमाई कभी नहीं बचती, और ये स्कूल सिर्फ बच्चों के सीखने के लिए नहीं है,
यहाँ से तुम भी कुछ सीखो, समझे? अब चलो निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं अभी एडमिशन के बारे में पता करके आता। ये कैसी दुनिया है माता रानी, जहाँ अपनी कोख से जन्म देने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक माँ को उसके बच्चे के पिता का नाम चाहिए होता है। क्या बच्चे की परवरिश के लिए सिर्फ माँ काफी नहीं है? ऐसा क्यों? अगर माँ ही पापा के नाम को लेकर फॉर्म में इतनी परेशान हो गई हैं, तो फिर हमारे सवालों पर कितनी परेशान हो गई होंगी वो। अब तो हमें इस प्रॉब्लम का कुछ सलूशन निकालना होगा। क्लास में कोई शरारत नहीं करना, ओके? शांति से गो। अरे आप इसी स्कूल में पढ़ते हो? अभी नहीं, पर बहुत जल्द। अच्छा, पर इसके पहले जल्दी से आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। हमारा ऑटोग्राफ? कल तो हमने आपको एक फोटो दी है, तो ऑटोग्राफ की क्या जरूरत है बेटा? अरे अंकल, अगर कोई फोटो नहीं मानेगा तो उसे ऑटोग्राफ तो दिखाना पड़ेगा ना। जल्दी से कर दीजिए ना एक साइन। लाओ अभी करते हैं आपके लिए एक ऑटोग्राफ साइन। बहुत क्यूट हो आप, है ना? अंकल आप नीचे मत देखिए, बस कर दीजिए साइन। ओके। ये लो, चलो अब जाओ। हमेशा अपनी माई को दिखा कर आते हैं। अपनी माई? वो कहाँ है? माई को बताऊंगी कि पापा का साइन हो गया तो वो खुश ही हो जाएंगी। माई हो गया काम, ये देखो। मैडम जी, हमने ऑफिस में बात कर लिया है, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, आप हमारे साथ आइए। अच्छा, अरे वाह, अब चलिए। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं हुआ बेटा, चल अभी हम यहाँ से चलते हैं, चल। लेकिन दादी अभी तो गोपिका का पूरा सामान ही नहीं लिया है। ले लेंगे बाद में, चल तू यहाँ पे कर। अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए मैं ऑटो लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, वो सामने तो खड़ा है ऑटो। चल जल्दी चल।
भैया, शांति मार चलो जल्दी। अपने पापा का बेटा कैसे हो सकता है? तुझे तो एक पंच मारना भी नहीं आता। पंच क्या, मैं तुम्हें झोपी पचार मार के दिखाता हूँ। एक मिनट। हम बताते असली दाव क्या होता है। स्ट्रांग हो, किसने सिखाया तुम्हें ये? हमारे उस्ताद जी से सिखाई है। उस्ताद जी? कौन है तुम्हारा उस्ताद जी? बहुत बड़े बॉक्सर है वो, टीवी पर भी आता है। आज तो वो स्कूल में भी आए थे और ऑटोग्राफ भी लिया है उनका मैंने, और तो कल तो हमने साथ में फोटो भी ली थी। रियली? तो मुझे मिलवाओगे उनसे? अरे अभी तो वो चले गए। लो आज तुम मेरा टिफिन खा के देखो। नहीं नहीं, हमें कद्दू की सब्जी नहीं पसंद, हम ये पराठा खाएंगे। वाव, ये पराठा था बहुत टेस्टी है। अब हमें वो मुंह सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिव, आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? हूँ। अरे वाह, लेकिन आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? सबके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहे? सब लोग उस नई लड़की के साथ बिजी है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। हम तो है ना, हम कर रहे हैं आपसे बात, और आपको पता है हमें ना बहुत बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं हमारे, तो क्या हम आपके साथ बैठकर लंच कर लें? ओके, पर पता नहीं क्यों आप हमेशा मेरी मदद कर देती है। आप कभी उनको से बचाते हो, कभी मेरे साथ खाना खाते हो, क्या आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे? जरूर। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। अब आपको हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा। अब आप मना नहीं कर सकती? हाँ, हमेशा आएंगे। अब चलो लंच करें। हाँ? क्या लाए हो? हाँ, पर आपने तो खा लिया ना अभी। हाँ तो क्या हुआ, हमें और भूख लगी है, और आप तो इसकी माई भी नहीं हो। हाँ, लेकिन गोपी वो क्या है ना कि इससे कोई बात ही नहीं कर रहा था, बेचारा ऐसे अकेला बैठा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही इससे बात कर लें,
अब आप ही बताओ, खुद सोच के देखो कि इतनी बड़ी क्लास में इतने सारे बच्चों के बीच अगर आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपके साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाएगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बताओ। गंदा। इसीलिए तो हम इससे बात कर रहे थे। और चलो आप ना एक काम करो, इसका तो यहाँ फ्रेंड ही नहीं है, तो आप इससे दोस्ती कर लो। आप फ्रेंडशिप कर लो इससे, हाथ मिलाओ, आप भी मिलाओ। वेरी गुड, अब चलो लंच करो, जल्दी जल्दी फटाफट खाओ, तुम भी खाओ। हे महादेव, इस नए स्कूल में नए लोगों के बीच हमारी बच्ची का ख्याल रखना। अच्छा सुनो, अब तुम लोग यहाँ बैठ के आराम से खाओ, हम अभी आते हैं, ठीक है? कहाँ हो तुम दोनों? हमें डर लग रहा है।